नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट जितेंद्र। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, अगर आपका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है और बैंकों का चक्कर काट रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है बैंक के संबंधित, तो आपको घबराना नहीं है, हमारे वीडियो पर बने रहें। हम आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो बैंक से रिलेटेड, आपका समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और हम आपको आगे की प्रोसेस बता रहे हैं कैसे आप उसको अपना समस्या का निपटारा करेंगे, वो भी कुछ ही दिनों में। ओके दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ऑनलाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताते हैं और आप ऑनलाइन शिकायत भी करेंगे तो आपका समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो कहाँ से कैसे करेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। ओपन करना है और आपको यहाँ टाइप करना है cms.rbi, देखिए ऊपर में cms.rbi, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए ऊपर में लिंक मिल जाएगा, इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ देखिए आपको शिकायत प्रबंधन प्रणाली मिल जाएगा, ठीक है। शिकायत प्रबंधन प्रणाली मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ से फिल एक कंप्लेन ऊपर में है येलो कलर पर, ट्रैक योर कंप्लेन, ठीक है। तो इस पर आपको टच करना है ऊपर में फिल ए कंप्लेन। टच करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, थोड़ा वेट करना है। यहाँ आपको कैप्चा डालना है, नीचे में जो कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ डालना है जो भी है। डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर टच करना है। नेक्स्ट पर टच करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, मैं डाल लेता हूँ। डालने पर गेट ओटीपी पर टच करना है, मैं कर दे रहा हूँ गेट ओटीपी पर टच। ओटीपी पर टच करने के बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, ये आ चुका है, मैं ओटीपी डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं OTP डाल लिया हूँ। डालने के बाद वेरीफाइड पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपको एक ईमेल भी डालना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ देखिए टोटल आपको सब कुछ आ जाएगा कि क्या क्या आपको डालना है, ठीक है। आप अपना खुद अपना डालेंगे, खुद का प्रॉब्लम है या फिर आपका इंडिविजुअल बिजनेस के प्रॉब्लम है, जो भी है आपको देख करके अपना ठीक से डालना है। दोस्तों आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये नहीं बताना होगा, आप इतना भी नादान नहीं हो कि आपको कहाँ क्या डालना है। हमारा वीडियो वही लोग देखते हैं जो थोड़ा भी इंग्लिश पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो पिन कोड कहाँ डालना है, ये सब कहाँ डालना है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ डालना है, सब सिंपल सिंपल है। डाल करके आपको ये कम्प्लीट कर लेना है, ठीक है। और अगर इसमें आप नहीं कर पाते हैं तो आपको एक ये हेल्पलाइन है, मैं हेल्पलाइन भी बता दे रहा हूँ, इस पर सीधे कॉल करके आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से कॉल करके डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज करा देना है। ओके, तो मैं आपको वो नंबर भी दे दे रहा हूँ, लाइन पर रह करके अपना पूरा कंप्लेन बताना है कि क्या आपको प्रॉब्लम हुआ है। आरबीआई की ओर से आपका कंप्लेन दर्ज कर लिया जाएगा और आपका कंप्लेन कुछ ही दिनों में निपटारा कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें और मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितनी वीडियो डालें सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। ओके धन्यवाद।